अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करिएगा और प्लीज़ हो सके तो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको सारी रेसिपी मेरी टाइम पर चाहिए तो इस नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिएगा जिससे आपको सभी रेसिपी टाइम से मिले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बड। तो आज का वीडियो ये ऑन डिमांड है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस में आए थे कि हमारा कर्ड नहीं जम पाता है, हमारे मॉम बहुत ठंडा रहता है और हमारा दही नहीं बन पाता है, तो प्लीज़ हमें इस मेथड को शेयर कीजिए। तो आज का ये मेथड उन्हीं के लिए, कैसे हम घर पर दही जमाएँ जबकि आपके बाहर बहुत ठंडा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है पैन, जितना भी आपको दूध दही बनाना है उतना दूध ले लीजिए पैन में, और एक बॉयल होने तक इसको अच्छे से गर्म कीजिए। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है क्योंकि फुल क्रीम मिल्क का अच्छा गाढ़ा दही जमेगा, और अगर आपको और गाढ़ा चाहिए तो 5 मिनट और थोड़ा पका लीजिए दूध को, और उसको आधा ठंडे होने तक रख दीजिए साइड में। रूम टेम्परेचर पे हमें नहीं लाना है। अब एक पैन में कल्चर लीजिए, जामुन लीजिए। जामुन लेने के बाद उसको अच्छे से मिक्स फैलाने के बाद उसमें जो आपने दूध ठंडा किया था अपना आधा, उसको एक दो तीन बार शेक कर लीजिए, उछाल लीजिए अच्छे से। उससे क्या होगा, इसमें झाग आ जाएंगे और जमने के बाद ये झाग ना आपका मलाई की फॉर्म ले लेंगे। और अगर आपको दानेदार दही पसंद है तो आप इसमें जमाते समय 2 हरी मिर्च डाल दीजिए, आपका दही मस्त जमेगा, बहुत अच्छा जमेगा। इस तरीके से देखिए झाग आ गया ना, तो ये मलाई की फॉर्म ले लेंगे आपका। अब आपको इसको 5 से 7 घंटे के लिए ओवन में रख दीजिए लाइट ऑन करके, और अगर नहीं है ओवन तो एक गर्म कपड़े से चारों तरफ से रैप करके रख दीजिए। देखिए कितना मस्त बढ़िया दही जमा है आपका, बिल्कुल फर्स्ट क्लास फाइन दही जमेगा आपका। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस मेथड से अगर आप दही जमाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी दही जमाने में, आपको बार बार मार्केट भी नहीं जाना होगा। तो ज़रूर इस मेथड को ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपका दही जमा कि नहीं जमा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ऑन, शेयर माई चैनल। थैंक यू।